अगर आप समय के साथ हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, या तो उसमें बीज बनने लगते हैं या फिर धीरे धीरे वो सड़ जाते हैं मिट्टी में ही। इसलिए समय के साथ हार्वेस्टिंग भी ज़रूरी है। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक पर। आज के इस वीडियो में कुछ हार्वेस्टिंग करूँगी, तो चलिए मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ। तो सबसे पहले कुछ मूली मैं हार्वेस्ट करूँगी। ये वाइट वाले हैं जो कुछ मैं निकाल लेती हूँ, और इस फिर से पॉलीबैग में रेड मूली मैं ग्रो करने की कोशिश करूँगी। अभी भी कुछ मूली हैं, इसे मैं हार्वेस्ट कर लूँगी तो फिर दूसरे बीजों को मैं लगाऊँगी। तो देख सकते हैं कुछ बीन्स भी हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर इसे हार्वेस्ट नहीं करती हूँ तो ये पूरी तरह से इसमें बीज बनने लगते हैं। अगर आप जितने ज़्यादा हार्वेस्टिंग करेंगे, आपके बेल वाले पौधे में उतने ही मात्रा में फूल और फलों की संख्या भी आएंगे। अगर आप हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं तो फूलों और फलों की संख्या भी कम आती है। तो समय समय पर हार्वेस्टिंग भी लेते रहनी चाहिए ताकि उसमें अच्छी तरह से ग्रोथ हो। तो चलिए मैं हार्वेस्टिंग करके